इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाउ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द जनरल हॉस्पिटल गोपा इन द नाउ एनसीडी मेडिकल ऑफिसर अंत डॉक्टर श्रीदेव पूजर अंत ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಡಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೆಹಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಎನ್ ಜಿ ಒದವರು ಇದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 300 ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹುತ್ ಕಾಮ್ बहुत ही अच्छा फ्री कैंप कर रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं और बहुत ही डॉक्टर लोग टेक्नीशियन सब लोग आके इधर सेवा दे रहे हैं. आप सब ने जो अरेंज किया है मैं आपको सबको बधाई देता हूँ. रहमान फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ज़ेर निगरानी ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है. इसके ब्रांचेस यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक. स्पेशली ये जो कैंप हो रहा है कर्नाटक का बेलगाम शहर के बेलगाम के ज़ेर निगरानी हो रहा है जो गोका के तालुका है यहाँ पे हो रहा है ये कैंप. इसका मेन मकसद ये है कि जो अभी कोविड के लिए जो पेशेंट्स परेशान थे मेडिसिन और ये तो एक फेज़ में शुरू से काम हुआ है. जैसे रहमान फाउंडेशन डे वन जैसे मार्च के अंदर जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया उस वक्त से रहमान फाउंडेशन काम शुरू किया है. जैसे ट्रैवलर्स कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया. इसके बाद में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है. फिर राइट नाउ कोविड का जो प्रॉब्लम्स आए थे जो सीवियर जुलाई अगस्त के अंदर उस पर काम किया है. अब जो कोविड का ऑलमोस्ट जो एक सीवियरिटी ख़त्म हो गई है तो अभी पोस्ट कोविड के लिए कैंप्स मेगा कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं. बेलगाम के अंदर हो गया, करवेश जो चिकोड़ी तालुका का एक गांव है वहाँ पे है. आज 8 नवंबर घटप्रभा के अंदर कैंप कंडक्ट किया है. हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 to 1200 पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे. आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अभी 400 to 500 पेशेंट्स अब तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इसका मेन मोटिव ये है कि पेशेंट्स के अंदर से खौफ खत्म हो जाए और डॉक्टर्स के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वो क्रिएट हो जाए. इसके लिए कैंप्स कंडक्ट करते हैं. रहमान फाउंडेशन बेसिकली हम लोग काम करते हैं मेडिकल लाइन से फ्रॉम बेलगाम में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से. एजुकेशन लाइन से है, विडो पेंशंस है, ओल्ड एज पेंशंस है, रिलीफ वर्क है. लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल तालुका बेलगाम तालुका के अंदर रिलीफ वर्क काम किए थे. और अभी नियर एकदम फ्यूचर के अंदर एक प्लान है वो एक हॉस्पिटल मेटर्निटी गायनेक हॉस्पिटल ओपन करने का प्लान है. ऑलमोस्ट इसका चल रहा है. उम्मीद है कि विद इन ए वीक हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाए. इसका मोटिव ये है कि बेस्ट एटमोसफेयर के अंदर बेलगाम सिटी और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के जो लेडीज़ हैं उनको एक ऐसा हॉस्पिटल मिले जहाँ के आने के बाद में जो डिलीवरी का प्रॉब्लम जितने भी है, डिलीवरी है, सोनोग्राफी है, मेडिसिन है, एक अच्छा एटमोसफेयर के अंदर उनको ट्रीटमेंट मिले. सेकेंड थिंग ये है कि जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनको एट द लोएस्ट कॉस्ट फ्री या जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सके उनको ट्रीटमेंट. अभी क्योंकि हायर रेट पे नॉर्मल एक डिलीवरी भी होती है तो 10+ थाउजेंड्स होता है. तो हम चाह रहे हैं कि गरीब पेशेंट के लिए नॉर्मल से नॉर्मल या फ्री हो सके या फिर कम से कम दामों में उनका डिलीवरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. तो नियर जो हमारा रहमान फाउंडेशन का जो काम गायन काम है एक मेटर्निटी हॉस्पिटल बेलगाम के अंदर स्टार्ट करने का. एजुकेशन के बारे में आपको क्या कहना? एजुकेशन एक जो मेन अभी कम्युनिटी के ताल्लुक से एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो 10+ कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर भी जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है, फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा. तो हम लोग अभी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 70% अचीव कर रहे हैं और एजुकेशन के लिए जिनके पास फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली के थ्रू है, पेरेंट्स के थ्रू है क्या है, तो हम उनको टोटल अंडर रहमान फाउंडेशन स्पॉन्सरशिप करके फ्रॉम डे वन यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके
ही वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर. हमारा प्लान ये है कि फ्रॉम डे वन से उसको स्पॉन्सर करके उसको उस इसके तक लेके जाए कि आने के बाद में कम्युनिटी के लिए, सोशल पूरे सोसाइटी के लिए एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बल्कि एक बोलते ना विदाउट करप्शन, विदाउट एनी हरेसमेंट, एक जो पर्पस है मेडिकल पर्पस, इंजीनियरिंग पर्पस, ऑफिशियल पर्पस वो सॉल्व हो जाए, इसके लिए एक रहमान फाउंडेशन एजुकेशन के लिए भी प्लान कर रहे हैं. रहमान फाउंडेशन और मोदी रहमान फाउंडेशन और मोदी के तुम धन्यवाद. इले आयोजन हेल्थ कैंप तुम वाले सदुपयोग सार्वजनिक पड़ेको आ फौंडेशन अली श्रमित कार्यकर्तरी रीतियां स्पंदन को नमें सिगुंत अनुकूल पड़ेको प्रस्तुत कॉविड सदर्भली आगता तौंदू मेडिकल अनाकूलते बहुत आगे अब सरी होलू वाले रीत मेडिकल प्रोत्साह रीतियां आरोग्यवा हार्ता रहमान फौंडेशन आल द बेस्ट अंत थैंक यू.